हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक क्विक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट, ये आपकी स्किन पे टोनर का काम भी करेगा। सेकंड, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। और थर्ड, ये आपकी स्किन के ऊपर से पिंपल्स को ख़त्म करेगा। सबसे पहले आपने लेना है जी रोज़ वाटर। मैं यहाँ पे उसकी बॉटल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे इसको स्प्रे फॉर्म में बनाना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। 3-4 दिन के अंदर आपको डिफरेंस अपनी स्किन में नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन ब्राइट होगी। इसके अलावा जो आप ओपन पोर्स हैं उनको ये मिनिमाइज़ करेगा। स्किन के ऊपर से जो बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं उनको ख़त्म करेगा। ग्लिसरीन हमने यहाँ पे 5 से 6 कतरे ऐड करनी है, इसके अलावा ऐड नहीं करनी। और ये रेमेडी सिर्फ विंटर्स के लिए है, हम इसमें समर में इसको यूज़ नहीं कर सकते। एक तो इसमें ग्लिसरीन ऐड है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड नंबर पे हमने इसमें ऐड करना है जी लेमन जूस। 1/2 लेमन से ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें 9-10 कतरे ऐड करें, इसके अलावा ज़्यादा ऐड ना करें। जस्ट ये आपने स्प्रे करना है, दिन में 3 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, कोई इसका नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी स्किन ब्राइट होना स्टार्ट जल्दी होगी। और बहुत इजी ये है, आपने जस्ट अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है, अपने आप फेस आपका ड्राई हो जाएगा। कोई आपको क्रीम की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होगी, कोई आपने अलग से टोनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद 4th नंबर पे हमने इसमें टी ट्री ऑयल ऐड करना है। अगर तो आपके पास मौजूद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स का इशू नहीं है तो, अगर पिंपल्स हैं तो फिर आपको टी ट्री ऑयल लाजमी ऐड करना पड़ेगा। ये भी 9-10 कतरे हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से शेक करना है। जो आपकी नोज़ पे, इसके अलावा आपकी चीक्स पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स आ जाते हैं उनको ये मिनिमाइज़ करता है। विंटर में आपकी स्किन को ये ग्लोई बनाएगा। इसके अलावा स्किन पे जो टैनिंग आ जाती है उसको रिमूव करेगा। जस्ट आपने इस तरह स्प्रे करना है, हल्के से हाथों से आपने टैप टैप करना है ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। आपको किसी सीरम की, किसी वाइटनिंग क्रीम की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।